आईपीएल ऑक्शन 2024 और उसके अंदर कई नाम नॉमिनेट भी किए गए, जिसके अंदर नेपाल के प्लेयर्स ने भी अब की बार फिर से ये आजमाया कि कम से कम अब की बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया है तो हम नॉमिनेट होंगे और हमें कोई खरीदेगा भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब उनके ही कोच मोंटी देसाई भी काफ़ी ज़्यादा एंग्री नज़र आ रहे हैं आईपीएल ऑक्शन के इन जो मेंटोर्स होते हैं जो कि खरीदने वाले होते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार मोंटी देसाई ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्होंने आखिरकार कहा क्या है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि उनका कहना सही है और नेपाल के प्लेयर्स को जगह मिलनी चाहिए थी। ऐसा क्या है वही जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल का एकमात्र प्लेयर जो कि संदीप लामिछाने लेग स्पिनर हैं, वो एक बार खेले थे दिल्ली के लिए, लेकिन उन्हें भी कोई खेलने का मौका तो नहीं मिला था। नेट प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिस करवाया करते थे और खुद की प्रैक्टिस करा करते थे, इसीलिए वो आज भी सबसे बेस्ट प्लेयर हैं नेपाल के और उन्होंने कई ऐसी वर्ल्ड की लीग खेली हैं जहां पे अपना नाम जमाया भी है और अपना वर्चस्व भी कायम किया है। मैं बात करूं इस बार या फिर 2023 के अंदर नेपाल के क्रिकेट की, तो वो आउटस्टैंडिंग रहा है चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो और चाहे वो ODI फॉर्मेट हो, क्योंकि एशिया कप अब की बार खेला था, एशियन गेम्स के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन किया था और अब यहाँ पे ये टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी सिलेक्ट हो चुकी है। तो बनता था कि इस बार कम से कम एक दो प्लेयर IPL के अंदर जाने चाहिए थे। 8 प्लेयर ने नाम नॉमिनेट करवाया था लेकिन वो पहले ही रिजेक्ट हो गए। ये जो कई वीडियो आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ऑक्शन के अंदर उनके बोली हुई थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि उससे पहले ही जो नाम है वो बाहर निकाल दिए गए थे और जितने प्लेयर विदेशी खरीदने थे उनकी लिस्ट बना ली गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि मोंटी देसाई का एक बहुत बड़ा बयान आया जब ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि IPL को और BCCI को देखना चाहिए, इसके साथ साथ उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए नेपाल के प्लेयर्स के ऊपर, नेपाल के क्रिकेट के ऊपर, ताकि उनके पड़ोसी देश का क्रिकेट भी और ज़्यादा अच्छा हो सके। हम अपना बेहतर कर रहे हैं और हम अपने क्रिकेटर्स को पूरी उम्मीदें दिलाए हुए हैं कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, लेकिन जिस तरह से 8 प्लेयर्स ने, जैसे कि संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल बुटेल ने अपना नाम नॉमिनेट करवाया था, उनका रिजल्ट बिल्कुल भी फीका आया, जिससे कि वो डीमोटिवेट होते हैं। मानता हूं कि टीम अभी तक उस वर्ल्ड क्लास लेवल पर नहीं गई है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इनसे नीचे परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर भी IPL के अंदर हैं, तो ये प्लेयर क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा है कि ना केवल प्लेयर्स पर बल्कि BCCI को, नेपाल के क्रिकेट बोर्ड पर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो भी आगे जाकर एक बड़ी टीम को जन्म दे सकें और ताकि वो भी सितारे निकाल सकें क्रिकेट के और क्रिकेट वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकें, क्योंकि BCCI जो कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो ICC का से बाद में दूसरा बड़ा सबसे यहाँ पे बोर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है और ये बात यहाँ पे मोंटी देसाई भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने टारगेट किया है उनको और उनसे ये बातें करी हैं। वैसे देखा जाए तो अब की बार कम से कम दीपेंद्र सिंह एरी या कुशल बुटेल में से कोई एक जाना चाहिए था। यहाँ पे संदीप लामिछाने भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको भी जाना बनता था, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम ऑक्शन में शामिल ही नहीं हुआ, ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, रखते हैं कि कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।